हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई इंदिर है। पर तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक कम वॉल्यूम वाले ट्रैक को कैसे आप हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि लो क्वालिटी सॉन्ग्स को कैसे आप बढ़ा सकते हो। मेरे पास एक ऑडियो है जो कि मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया है, जो कि मेरे ही जानकार का है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और फ़ोन भी किया कि इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा आप करके देख लो अगर हो सकती है तो। पर मैंने जैसे ही सुना, मैंने कहा लगा यार बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम है ये तो, और जब मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर डाला तो बहुत ही कम। तो मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो बनाते हैं और शुरू से आपको दिखाते हैं। तो ये वॉल्यूम है इसकी, चेक करो। देखो ग्राफ देख के ही आपको पता लगेगा जैसे कोई छोटा सा बस लूप है और वो है साउंड है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप सुनो थोड़ी सी वॉल्यूम कितनी इसकी वॉल्यूम है। सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं। वॉल्यूम ही है, सबसे पहले तो आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये इसकी वॉल्यूम कम है। इसको आप नॉर्मलाइज कर लो, पहले एक देख लो। अब नॉर्मलाइज किया हमने, इसकी वॉल्यूम उठी होगी थोड़ी सी। जवाब सीने में उठा एक तूफान आया, अभी भी इसका हेडरूम बहुत ज्यादा बचा हो। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले एक डाल देते हैं मिक्सर के अंदर। तो मिक्सर 5 पे आ गया। सबसे पहले आप ले लो मल्टी बैंड कंप्रेसर। मल्टी बैंड कंप्रेसर लिया और यहाँ पे आपने पीक लेवल को चेक करते रहना है, ठीक है। पीक लेवल कितने डीबी पे जा रहा है। जवाब सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, दिल मेरा है जवा जवा। इसके अंदर थोड़ी फिस फिस जैसी साउंड आ रही है, वो इस कारण से आ रही है आई थिंक। जवाब सीने में, हाँ यहाँ पर जो इसका हाइज है ना काफ़ी ज़्यादा नॉइसी है, यानी कि वहाँ नॉइस होगी। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी नॉइस को हटाने की, तो अब उसके अंदर वोकल ही कट चुकी है हाइज। इस कारण से क्या हुआ कि अब इसको हाइज गाने में ज़्यादा नहीं है। सीने में यहाँ पे फिस फिस ज़्यादा करा, तो इसको हम फिस को थोड़ा डाउन करेंगे। सीने में उठा एक तूफान आया, हाइज को यहाँ से उठा के देखते हैं 35 के आसपास, क्योंकि ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसीज में आ जाता है 3500। पर फिर भी उठाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जवाब सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, दिल मेरा है जवा जवा। फिर भी कोशिश। जवाब सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, दिल मेरा है जवा जवा। सीने में उठा एक तूफान आया, इतनी कम वॉल्यूम थी, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। जवाब सीने में उठा एक तूफान आया, तो यहाँ पे एक डी नॉइस लगा के, नहीं डी नॉइस तो नहीं, डी एसर लगा के देख लेते हैं कैसा लगता है। जवाब सीने में उठा, और ले लेते हैं क्रैकल के लिए, देखते हैं कैसा लगता है। जवाब सीने में उठा एक ककर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, दिल मेरा है जवा जवा। सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा। इसके बाद यहाँ पे ले लेते एक मैक्सिमस। उन्होंने तो थोड़ा सा कहा था बस थोड़ा सा सेट कर देना, पर फिर मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मेन होता है। लो को आप मिड में कर रहे हैं। जवा सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, दिल मेरा है जवा जवा। सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, बुलंदियों पे ही रुकेगा ये कारवां। तू चल माथे से अपने पोंछ पसीना, इसमें एक चीज और करके देखते हैं। यहाँ पे हम लेके देखते हैं मैक्सिमाइजर, ट्राई करते हैं। दिल मेरा है जवा जवा, सीने में उठा एक तूफान आया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा, दिल मेरा है जवा जवा। सीने में उठा एक तूफान आया,
अकेले चलने का कर हौसला, घर से हूँ मैं निकल पड़ा। बुलंदियों पे ही रुकेगा ये कारवां। ये स्टीरियो था, स्टीरियो से मैंने इसको थोड़ा घटाया। फाइल को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। इतना वॉल्यूम ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। इसको एक बार एक्सपोर्ट करके देखते हैं। एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अंदर मेन मेन सिर्फ जस्ट हमें वॉल्यूम्स उठानी थी, बस इतना ही हमने किया, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट और रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वाइड करेंगे ना और ज़्यादा नॉइस इकट्ठी हो रही थी, मुझको तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें भी यार थोड़ी है नॉइस ना, पर उसका कुछ कर नहीं सकते। नॉइस हटाएंगे तो आवाज़ ही हट जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ के अंदर ही नॉइस है। अब इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे ओरिजिनल और बाद के प्रोजेक्ट में कितना फ़र्क आया है। डिफरेंस आपके सामने होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जाते हैं फाइल्स के अंदर, हमारे पास जो हमारी फाइल्स है, तो मैं यहाँ ले लिया। तो देखिए आ चुकी हमारी फाइल्स, ये थी हमारी नॉर्मल। इफ़ेक्ट्स बंद कर देता हूँ सभी। देखो ये था हमारा मेन जो पहला था। दिल मेरा है जवा जवा, सीने में उठा एक तूफान नया, अकेले चलने का कर हौसला, घर से। देख रहे हो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने ट्रैक्स को बचा सकते हो, एक नई जिंदगी दे सकते हो। और ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड हो जाता है अब, ठीक है ना। अपलोड तो वो भी हो जाएगा लो क्वालिटी का, पर कई बार वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपलोड। अब इसके डीबी काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, आप देख सकते हो। पूरा ऊपर टच नहीं है, पूरा माइनस डीबी के अंदर भी हल्का हल्का सा आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।